हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, लाइज ब्लू एंड बहुत सारी ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। हमारे लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। अभी अगर हम बात करें बाजार के बारे में, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज का दिन अगर हम डिस्कस करें तो कुछ खास नहीं हमें देखने को मिला है, बट हाँ जो हमने कल डिस्कस किया था वो चीज़ें बहुत सुंदर और सटीक तरीके से वर्क की है। ये हमारा आज का डे का फर्स्ट कैंडल है। आप देख पा रहे हो हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, बाजार यहाँ से ट्रेंड लाइन में चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो एक नीचे का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। वो कुछ इस तरह का हमने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, ये थोड़ा सा हमारा जो था ऊपर की तरफ था यहाँ पे कहीं, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है फर्स्ट हाफ में एक सुंदर सेलिंग का सिनेरियो हमें मिलता है, उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर की तरफ एक नीचे बॉक्स बना के ऊपर की तरफ भी निकलता है, बाइंग साइड में भी हमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। और अगर किसी ने यहाँ पे अगर ये 800 का लेवल था जो कि बहुत स्ट्रांग लेवल था, किसी ने 800 के नीचे भी अगर ट्राई किया होगा सेल करने के लिए तब भी बहुत शानदार पैसा मार्केट ने दिया है। ये 800 का लेवल था, इसके नीचे भी बहुत शानदार पैसा मार्केट ने दिया है। अभी अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी, आज ट्रेड किया था हम लोगों ने, मिड कैप निफ्टी में भी बाइंग एकदम ऑसम, निफ्टी में भी बाइंग एकदम ऑसम। निफ्टी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे कल हमने क्या डिस्कस किया था, इस रेंज के नीचे जैसे ही निकलेगा हम एक सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। इस रेंज के नीचे निकला और यहाँ पे सेलिंग मिला है, उसके बाद सेकंड हाफ में बॉक्स पैटर्न बना के बाइंग साइड में हमें ट्रेड मिला था। अभी क्या बन रहा है और कल का क्या सिनेरियो रह सकता है अगर बैंक निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम में लेकर चले और वन डे के टाइम फ्रेम में रिमूव ऑल ड्राइंग यहाँ पे करेंगे। अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे की तरफ आ तो रहा है लेकिन नीचे से रिजेक्शन फेस कर रहा है, जब जब नीचे आ रहा है रिजेक्शन फेस कर रहा है। यहाँ पे नीचे आया रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, तो रिजेक्शन फेस कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, ये एक नेकलाइन है, एक प्राइस एक्शन, एक पैटर्न फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है बाजार। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऊपर गया है, ये नीचे आया है, फिर से ऊपर नीचे जाके यहाँ से ही जाके ऊपर कितना ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आएगा, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कुछ टाइम पहले, राइट। इस पैटर्न को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने पूछा था इस पैटर्न का नाम क्या था, आप लोगों ने कमेंट भी किया था। अभी कुछ इस तरह का सिनेरियो कर रहा है तो हमारे पास बाइंग और सेलिंग दोनों का सिनेरियो मिल सकता है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँगा और प्लान करेंगे कि कल हम क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो ऊपर हर्डल बन रहा है बैंक निफ्टी में वो वैसे ही 45,145,100 का बन रहा है, तो 100 के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है हम बाइंग साइड के लिए नहीं सोचेंगे। सेल ऑन राइज का सिनेरियो कहीं ना कहीं लग रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो सेलिंग आ रही है और बाय ऑन डिप हो रहा है, जब नीचे जा रहा है तो सेल बाइंग आ रही है। तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह का ही प्लानिंग हमारे माइंड में भी रहेगा। ये हमारा एक हर्डल रहेगा 540-500 के एरिया का, जो कि राउंड नंबर बन रहा है। इस जगह से अगर कहीं इसके नीचे निकल रहा है तो हम एक सेलिंग साइड के लिए प्लान कर लेंगे 500 के लेवल के नीचे, और ऊपर हमारे पास 45,100 का लेवल है। अभी तक मार्केट इस रेंज में है, अभी बिल्कुल मिड में क्लोज किया है मार्केट, तो कल का सिनेरियो क्या रह सकता है। कल आपको पता है एक्सपायरी का डे भी है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल जा रहा है जिस हिसाब से क्लोज किया है, कल एक न्यूज़ भी है, कल एक मीटिंग है और अपडेट भी आने वाला है, वो अपडेट क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि लोगों को पता लगे और मैं भी देखूं कि कितने लोग अपडेटेड रहते हैं मार्केट में। यहाँ पे गैप अप अगर खुल रहा है, गैप खुल के फिर से यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से अगर फिर से एक फ्रेश सेलिंग आ रही है तो थोड़ा नीचे आता हुआ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। इस बार अगर टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करने के बाद हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद सेकंड हाफ तक ब्रेकआउट कर दे तो एक अच्छा खासा पैसा आपको बाइंग साइड में खा सकता है। तो प्लानिंग अगर गैप अप रहेगा तो एक बार हम ब्रेकआउट करने के बाद बाय करेंगे, बट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जा रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अभी क्या हुआ है लास्ट वाले टाइम पे यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आई है, मार्केट में डिमांड है, मार्केट ऊपर गया है। अब अगर मार्केट फिर से गैप डाउन खुल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर आए हैं वो संकोच में पड़ जाएंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं मार्केट यार वीक है, तभी मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया लेकिन फिर से खुल रहा है गैप डाउन, तो मार्केट हो सकता है ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दे। कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे खुलते ही ले सकते हो या फिर 5 मिनट का रेंज ब्रेक डाउन पे ले सकते हो कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी जब ये लेवल ब्रेक करेगा 500 का उसके नीचे आप ट्राई कर सकते हो, कुछ इस तरीके का सिनेरियो रह सकता है। बाकी कल न्यूज़ रहेगा, एक्सपायरी भी है, थोड़ा वॉलेटिलिटी भरा मार्केट रहेगा, स्टॉप लॉसेस हिट कर सकता है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको आज बड़ा पैसा बना है या आपका अच्छे प्रॉफिट में हो तो उस प्रॉफिट को कल जाने मत दीजिएगा, यही आपका फंडा होना चाहिए कि आज जो प्रॉफिट है कल उस प्रॉफिट से बड़ा लॉस ना हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जनरली 2-3 दिन अगर लगातार प्रॉफिट हो जाता है हमें तो कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि अब हमें लॉस हो ही नहीं सकता, अब हम
मार्केट के भगवान बन चुके हैं या बैंक निफ्टी के राजा बन चुके हैं, हमें लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लॉस वाले ट्रेड को, जो लूजिंग ट्रेड रहता है, उस ट्रेड को हम होल्ड कर लेते हैं और विनिंग को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करके होप के चक्कर में हम एक बड़ा लॉस लेकर घर जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए कल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, मुझे पता है कल ये चीज़ होने वाला है। अभी अगर हम बात करेंगे, ऊपर भी मैं लेवल एक बार मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, फिर उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। ये लेवल हमारा रहेगा ऊपर की तरफ का, तो ये मार्क्ड है ऑलरेडी और ये आप नज़र में रख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, कल निफ्टी में क्या मूव कर सकते हैं, निफ्टी में रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे, ये भी अच्छा खासा कर रहा है वनडे के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जस्ट कोशिश की जाए तो यहाँ पे भी मार्केट एक पुल बैक लेके ऊपर नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद एक पुल बैक ले रहा है, बट ये पुल बैक कहाँ तक लिया है, अगर यहाँ से हम चेक करें इस स्विंग से या इस स्विंग से, तीन दिनों का जो स्विंग बना है, तो मार्केट अप्रॉक्स गोल्डन रेशियो के आसपास फिर रहा है। इसके अगर ऊपर निकलता है थोड़ा सा और बुलिश हम देख सकते हैं, क्योंकि दो तीन दिन से लगातार एक कंसोलिडेशन एक रेंज में ही मार्क बना हुआ है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा बाइंग का सिनेरियो क्या रहेगा, वैसे तो अभी देखेंगे तो ब्रेकआउट कर चुका है ये, 630-640 के ऊपर का एक बाइंग का एरिया था, ये पूरा बाइंग हो चुकी है। अभी यहाँ पे एक हर्डल छोटा सा है, इसके ऊपर अगर निकल रहा है 677 तो ये गैप फिल होता हुआ नज़र आ जाएगा, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर गैप अप खुल रहा है या थोड़ा बहुत फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है, बाइंग साइड में जाएंगे। सेलिंग हम कहाँ पे करेंगे, सेलिंग नो डाउट अगर ये जो लास्ट वाले टाइम पे मूव आया है इसके अगर 50% एरिया भी निकाल दे रहा है तो एक सेलिंग के लिए प्रेशर में आ जाएगा मार्केट। ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये सारे हमारे लिए एक सेलिंग का सिनेरियो लेकर आएंगे, ये हमारे लिए निफ्टी में प्लानिंग रहेगा। थोड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो सेलिंग का सिनेरियो हो सकता है, और गैप अप खुल रहा है तो बाइंग साइड में भी हम सोचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैवल्स इंडिया, नज़र रखिएगा स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो हैवल्स इंडिया में एक अच्छा मूव हमें कल के दिन दिखा सकता है। रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे, ये लेवल मैंने ऊपर का पहले से मार्क करके रखा था, काफ़ी अच्छा लेवल है। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया है और इस जोन का बाजार ने ब्रेक डाउन कर चुका है अप्रॉक्स यहाँ पे, तो कल अगर ब्रेकडाउन करके ये 1310 रुपीज़ के नीचे मिल रहा है तो हम एक सेलिंग साइड में प्लान कर लेंगे, अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल जाएगा। बाइंग हम कहाँ करेंगे, वैसे थोड़ा सा बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हो, अग्रेसिव बाइंग जो बनेगा वो अप्रॉक्स इस एरिया के ऊपर बनेगा, क्योंकि 1329 का बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टॉक्स है, नेक्स्ट हमारे पास बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस पे थोड़ा सा नज़र रख लीजिएगा, ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कल दे सकता है। हमने एक रेंज मार्क किया था, इस रेंज के पे अभी भी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। आपको पता है जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है स्टॉक में उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जितना भी दिन लगे, जब ये रेंज ये ब्रेकडाउन कर रहा होगा ना 7085 से 7070 तक का बीच का, यानी कि 7083 रुपये से 7070 रुपये का लेवल, तो एक सेलिंग का हमें सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। बाइंग अभी अवॉइड कर रहा हूँ, बट फिर भी आज जैसा कंसोलिडेशन मिला है बहुत प्यारा रेंज है, तो अगर 7134 निकाल रहा है तो एक बाइंग साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।